स्वर्गस्थ विक्रमादित्य, तो कुछ दिन मैंने पहले एक रील डाला था, वहां पे बंदे ने कमेंट किया था कि ऋतिक रोशन लुक अगली बिकॉज ही गॉट लॉन्ग फेस। डू यू रियली थिंक दैट ऋतिक रोशन लुक अगली एंड ही इज अनअट्रैक्टिव? मुझे तो भरोसा ही नहीं हुआ, बट वो बोलने लगा कि उसके जो फेस है मैथमेटिकली परफेक्ट नहीं है, जो उसके जॉ लाइन फेस की लेंथ की रेशियो वो परफेक्ट नहीं है। तो भाई आज इसी को दूर करने के लिए मैं एक लाइव अपने एक सब्सक्राइबर को रेट करूंगा और उसको कुछ लास्ट में लुक मैचिंग एडवाइस भी देते हैं कि वो कैसे ग्लो अप करे और कैसे अपने अपील को इंक्रीज करे, क्योंकि मैटर यहाँ पे करता है कि भाई हम कितने अपीलिंग दिख रहे हैं नॉर्मल पर्सन लड़कियों के आईज में। और ये जो इंसुलेंस बोलते हैं रेशियो मैथमेटिकल परफेक्ट गोल्डन रेशियो, ये सब मैटर नहीं करता। मैटर यहाँ पे करता है कि कितने अपीलिंग, कितने अच्छे दिख रहे हो आईज को, कितने अच्छे दिख रहे हो, कितने सेक्सी दिख रहे हो, कितने हॉट दिख रहे हो, कितने हैंडसम दिख रहे हो, ये मैटर करता है, ये मैथमेटिकल परफेक्ट इक्वेशन है। सो मैं आपको लाइव रेटिंग करके दिखाता हूँ, तो लेट्स ओपन टू दैट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा रेटिंग स्केल लेंगे, क्योंकि रेटिंग स्केल वाला बहुत ही कंफ्यूजिंग एस्पेक्ट है। तो यहाँ मैंने नंबर वाइज भी लिखा है और वहाँ पे मैंने वर्ड वाइज भी लिखा है, तो मैंने वर्ड वाला लूंगा क्योंकि हमें ब्रॉडर एस्पेक्ट देता है। सपोज दैट कोई बंदा है 5 है, एवरेज लुकिंग है, ठीक है, हम बोल देते हैं एवरेज लुकिंग है, अपन वही बंदा किसी के लिए 4 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 7 होगा, लेकिन कोई वेल डिफाइंड है नहीं फीचर्स, किसी सेम बंदा 3, 4, 5, 6 सबके लिए अलग अलग होगा, पर वही एवरेज बंदा 90% पॉपुलेशन के लिए एवरेज ही होगा। तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने वर्ड वाला यहाँ पे लूंगा, न कि नंबर वाला। आप नंबर वाला भी ले सकते हो क्योंकि मैंने पहले से यहाँ पे लिख चुका है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब नाउ। तो ये बंदे का रहा फेस और 5 सेकंड में बताओ कि आपको कैसे दिख रहा है, एवरेज दिख रहा है, कैसा दिख रहा है। ये स्केल लेना जो वाला मैंने प्रोवाइड किया वही वाला, एंड आई होप आप लोगों ने डिटरमाइन कर लिया होगा कि कैसा दिखता है। और मुझे लगता है कि 2-3 सेकंड मैक्सिमम लगते हैं किसी को डिटरमाइन कर लिया कैसा दिखता है। तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ 100% गारंटी से कि 90% जो वीडियो देख रहे हैं बंदा आपको एवरेज दिखा होगा। क्यों? क्योंकि इसके फेस में ना कुछ बैड फीचर्स है, नहीं कुछ स्ट्राइकिंग फीचर्स है जैसे वो एवरेज पॉपुलेशन स्टैंड आउट कर सके। तो एवरेज लुकिंग है ना, ये कुछ खराब है नहीं कुछ अच्छा है। अब बात करते हैं कि इसकी अपील कैसे इंक्रीज करे, ज्यादा अच्छा कैसे दिखे। तो सिंपल है, यहाँ पे हम सबसे पहले इसके फीचर्स को कैटेगराइज कर लेंगे, गुड फीचर्स अलग रख लेंगे, बैड फीचर्स अलग रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले से इसको पूरा लिख रखा है ताकि टाइम बचे। इसके गुड फीचर्स को देखो, पहले सबसे पहले इसके साइड प्रोफाइल देखो, सबसे अच्छा क्या है इसके फेस में, गुड रैमस लेंथ। रैमस मतलब ये वाली हड्डी होती है ना, एक आइडियल एडल्ट मेल की रैमस लेंथ कितनी होती है 7 सेंटीमीटर। और ये बंदे की हाइट अभी एज कितनी है 60 और इसके टीनेजर है, तब भी इसकी जो फेशियल ग्रोथ है बहुत ही अच्छी है, रैमस ग्रोथ या फिर फेशियल बोन स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। तो गुड रैमस लेंथ। और सेकंड क्या होगा, गुड फॉरवर्ड ग्रोथ, ये वाला पार्ट गुड फॉरवर्ड ग्रोथ। और थर्ड क्या हमारा, गुड चिन प्रोजेक्शन, ये चिन प्रोजेक्शन भी अच्छा है। और फोर्थ फुल लिप्स, ये लिप्स का जो है फुल लिप्स एक आइडियल लिप्स माना जाता है। और सिक्स क्या हमारा, गुड स्किन क्वालिटी, ये टीनेजर है तब भी इसको पिंपल या फिर एक्ने मार्क्स नहीं है, ये गुड पॉइंट हुआ। सेवन क्या हुआ, डिसेंट जॉ लाइन विजिबिलिटी, ये वाला पार्ट देखो, फेस फैट नहीं है तो जॉ लाइन जो जॉ बोन डेवलपमेंट है वो भी परफेक्ट है और जो जॉ लाइन पूरा अच्छे से दिख रहा है, नो डबल चिन और समथिंग। और एथ क्या हुआ, हाई सेट चिक बोन्स, ये जो चिक बोन्स है वो हाई सेट है, तो एक पॉजिटिव पॉइंट हुआ। अब बात करें इसके बैड फीचर्स की, और यहाँ पे ध्यान रखना हमें सिर्फ इसके बैड फीचर्स को इम्प्रूवमेंट करना होगा, जो पहले से अच्छा है गुड फीचर इसको क्यों इम्प्रूव करना हो। तो मुझे सबसे लग रहा है कि इसके जो ऑड पॉइंट है इसके फेस में, सबसे ज्यादा इसका आइडिया है, आइडिया देखो जो बैड आइडिया बहुत, यहाँ पे देखो आईब्रो डेंसिटी बहुत कम है और जो अपर लाइट एक्सपोजर है वो भी बहुत ही ज्यादा है। तो इसके फेस इसको आईज को क्या बना है, फ्री आईज बना रहे, जैसे ऑयल जैसे रहता है ना ऐसा टाइप का। और यहाँ पे निगेटिव कैंसर ट्रीट भी है, ये भी एक निगेटिव पॉइंट हुआ। और सेकंड बैड हेयर स्टाइल एंड हेयर टेस्टर, अब हेयर स्टाइल ऐसा रहना चाहिए जो हमारे फेस को कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड करे, अच्छा दिखने में लगे ऐसा, जो हमारे फेसियल फ्लॉ है उसको हाइड करे। यहाँ पे कुछ हाइड ही नहीं करे, छोटे छोटे बाल है और हेयर टेस्टर है, बहुत ड्राई दिख रहे हैं, तो ये बैड पॉइंट हुआ। और थर्ड फेस ब्लोटिंग, यहाँ पे देखो कुछ माउथ पार्ट में यहाँ पे कुछ फेस ब्लोटिंग है बंदे की, तो इसलिए हॉलो चीज यहाँ पे जो और थोड़ा यहाँ पे जो चिक हो ना दबा रहना चाहिए। देखो मेरे भी अभी इसमें फेस ब्लोटिंग है, तो मेरे यहाँ पे कुछ फॉर्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे मेरे भी फेस ब्लोटिंग हल्का, तो इसको हटाना होगा। तो अब बात करते हैं कि भाई ये अपील कैसे इंक्रीज करे और वो कैसे थोड़ा अच्छा दिखे। तो आइए बात करते हैं नाउ, अब क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है इसको जानने के लिए हम एक तरीके से चालू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ तक खत्म करेंगे, तो ऐसे बीच में कहीं से उन्हें उठा लेंगे। इसलिए ये मीटर देखो, मैंने प्रायोरिटी मीटर बताया। तो सबसे हमारे फेस में इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, हमारा आइडिया, फिर हमारा जॉ लाइन, फिर हमारा स्किन क्वालिटी कैसा है, हेयर, फिर चिक बोन्स, फिर नोज, फिर लिप्स। तो हम सबसे पहले आइडिया से स्टार्ट करेंगे, फिर लास्ट लिप्स तक जाएंगे। और जो हमारे बैड फीचर क्या क्या मैक्सिमम हमें यहाँ पे करना है, क्या हमें मैक्स पोटेंशियल पे ले जाना है अपने फेस को, जितना अच्छे से अच्छे दिख सके नॉन सर्जिकल ऑप्शन में, इतना हमें एकदम फुल पोटेंशियल पे जाना है। तो बात करते हैं भाई कैसे इंप्रूवमेंट करें और कैसे अपने जो फेशियल फ्लॉ है इसको हाइड करें और मैक्सिमाइज करें, मतलब अपने गुड क्वालिटी को ऑफकोर्स। तो हाउ टू मैक्सिमाइज योर फेस पोटेंशियल,
अब बात करते हैं, एक ही चीज मैंने लिख दिया है, तो आयरिया की सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पे आयरिया में क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकता है, आईब्रो डेंसिटी को इजिली इंप्रूव कर सकता है बाय मिनोक्सिडिल। जो टॉपिकल मिनोक्सिडिल होता है, यहाँ पे डर्मा रोलर करके यहाँ पे हल्का हल्का और यहाँ पे पॉइंट वाइज मिनोक्सिडिल गिरा लो। मैं आपको बोलता हूँ 5-6 महीने आपका जो आईब्रोज एकदम डेंस हो जाएगा, और अगर यूनिब्रोज है यहाँ पे तो इसको भी सेव कर देना, बहुत खराब दिखता है। और सेकंड स्क्विंटिंग, स्क्विंटिंग यहाँ पे दो, एक सबसे पहले क्या रहेगा, स्क्विंटिंग ऐसे करोगे ना तो जो अपर लाइट एक्सपोजर है ना वो कम होगा, और जो हमारे निगेटिव कंटेंट है वो भी अपर साइड न्यूट्रल बन जाएगा। तो ये बंदे की क्या है, अपर लाइट एक्सपोजर बहुत ही ज्यादा है, और जो यहाँ पे आई एरिया है, ये आई बॉल है, वो राउंड है, तो जब स्क्विंटिंग है तो आलमोंड शेप में आएगा, ये बोल सकते थोड़ा इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। आप यान सोमलैंडअप देख लो, या फिर वो डेली सुबह कुछ है ना, इसको देख लो। और सेकेंड हम बात करते हैं जॉ एरिया की। आई पर्सनली थिंक दैट हिज जॉ एरिया इज ऑलरेडी परफेक्ट, तब भी जो थोड़ा फेस ब्लोटिंग है ना उसको कम करना होगा। तो दो तरीके से फेस ब्लोटिंग कर सकते हैं, मुझे इसका वेट बहुत ही कम है, तो फेस फैट इसका जेनेटिक रिलेटेड है न कि बॉडी रिलेटेड। इसका वेट ज्यादा नहीं है, वेट कम है, तब भी फेस फैट है। तो उसको कम करने के लिए क्या होगा, सोडियम इंटेक कम कर लो, और सेकेंड गुआसा और आइसिंग। आइसिंग क्या करेगा, जो पफनेस रहेगा फेस को उसको हटाएगा, गुआसा करेगा मसाज थेरेपी जैसा है, तो जहाँ भी थोड़ा भी सैगी मसल्स रहेगा ना उसको हटाएगा, और सोडियम से क्या रहेगा, वाटर रिटेंशन नहीं होगा, तो हमारी जो फेस ब्लोटिंग होगी वो हटेगी। और थर्ड में क्या करना है, स्किन, स्किन इसके पहले ही परफेक्ट, नो पिंपल और समथिंग, तब भी एक बेसिक स्किन केयर रूटीन है फॉलो कर सकते हैं, लाइक विटामिन सी। विटामिन सी क्या करेगा, ब्राइटनिंग एजेंट है, फेस पे ग्लो लाएगा, और सेकंड मॉइस्चराइजर, ताकि वो थोड़ा शाइनिंग अपीयरेंस आए। और फोर्थ हेयर्स, ये सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट पॉइंट है यहाँ पे आई एरिया के बाद। अब इसके हेयर्स क्या है, अब इसका फेस शेप देखो, लॉन्ग है एज कम्पेयर टू ब्रॉड, तो हमारे यहाँ पे जो वैल्यूम रहेगा ना हेयर का, वहाँ पे कम रखना होगा और साइड में ज्यादा रखना होगा, ताकि फेस को कॉम्प्लीमेंट दे। तो लॉन्ग हेयर, मीडियम लॉन्ग हेयर, एटलीस्ट हेयर लेंथ कितनी रहनी चाहिए, 3 इंच से ज्यादा। और हेयर कंडीशनर, ताकि जो हेयर टेक्सचर वो इंप्रूवमेंट आए, थोड़ा शाइनी लगे, सिल्की लगे। और गुड हेयर स्टाइल, इसके फेस के अकॉर्डिंग मुझे लगता है वॉल्फ हेयर स्टाइल या फिर कोई भी हेयर स्टाइल है, ये साइड में ज्यादा वैल्यूम रहे ऐसा हेयर स्टाइल। और फिर तुम्हारा क्या रहेगा, चिकबोन्स, चिकबोन्स का एलईडी परफेक्ट है, और चिकबोन्स को आप इंप्रूवमेंट कर नहीं सकते विदाउट सर्जिकल ऑप्शन, तो नो चेंजेस रिक्वायर्ड। नोज भी एकदम परफेक्ट है, नो चेंजेस रिक्वायर्ड। लिप्स भी एकदम परफेक्ट है, तो नो चेंजेस रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे मेन इंप्रूवमेंट क्या करना है, एरिया में, जॉ एरिया में, स्किन और हेयर्स में, बस। नाउ ये बंदा जितना फेस में इंप्रूवमेंट करना था ये कर लिया, अब जो भी इंप्रूवमेंट लाएगा, अब ये सपोज डेट वो पहले 5 था, मतलब एवरेज लुकिंग था, ठीक है, ये 5 था नहीं, सपोज 5 भी नहीं मानता, मैं 4 मान लेता हूँ, ठीक है, एवरेज लुकिंग था, ये फेस में इंप्रूवमेंट किया, सब चीज ऐसे जो जो मैं बताया अभी ये सब किया, इसकी जो अपील होगी इंक्रीज होगी 4 से 6, 2 पॉइंट एटलीस्ट इंप्रूव होगा भाई। अब ये क्या हो गया, एवरेज लुकिंग। अब मैं बात करता हूँ कि एवरेज 6 से 8 तक कैसे पूछे, इसकी बात करते हैं। तो ये है चार्ट देखो, आफ्टर मैक्सिमाइजिंग योर फेस पोटेंशियल, अपना फेस को पूरा फुल पोटेंशियल ला चुके, अब अपना अपील कैसे चार्ट लाइट पे इंक्रीज करें। तो यहाँ पे क्या करता है, मैंने ये सब्जेक्ट भी कुछ लिखा हुआ है, वेटेज भी कुछ लिखा है, इसको ध्यान से देखो। हाइट क्या करेगा, 1 पॉइंट इंप्रूव करेगा, मसल 0.5, फैशन से 0.5, ग्रूमिंग 0.5। यहाँ पे मैंने फेस प्लस हाइट प्लस मसल प्लस फैशन से प्लस ग्रूमिंग, ये टोटल हो गया, ये टोटल यहाँ पे जो टोटल है, टोटल अपील है समझ लो। तो फेस कितना हो गया, 4 से 6 हो गया। तो आपका मैक्सिमाइजिंग फेस पोटेंशियल, इसकी जो फेस की बोल सकते अटैकनेस लेवल रही वो 6 पे आ गई, और हाइट इसकी है 5'6". रोहन, इसकी एक्चुअली बंदे का नाम रोहन है, तो उसकी हाइट क्या है, 5.6। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, हाइट में पॉइंट तभी बढ़ेगा जब आप जो कंट्री में रहते हो वहाँ की एवरेज हाइट से ज्यादा रहे। अब इंडिया में हम लोग रह रहे हैं, तो इंडिया की मेल की एवरेज हाइट क्या है, 5'6", तब उससे ज्यादा रहोगे, एटलीस्ट एबो एवरेज मानता हूँ मैं, 5'9" से एबो एवरेज हो गया, तो आप 5'9" से एबो हो तो 1 पॉइंट ऐड होगा। अगर आप एवरेज हो 5.5 से लेके 5'9" तक, 5'9" तक, तो अभी एवरेज हाइट में आ रहे, तो यहाँ पे ना प्लस होगा ना माइनस होगा। अगर आप 5'5" से लोअर हो तो 1 पॉइंट माइनस भी होगा। ये बंदे की हाइट कितनी है, एवरेज है, तो यहाँ पे ना प्लस होगा ना पॉइंट, यहाँ पे 0 रखता हूँ। अगर ये फ्यूचर में लीन एस्थेटिक मसल बना लेता है, लाइक ऐसा मैं बल्की टाइप का नहीं बोल रहा या बहुत स्किनी भी नहीं, लीन एस्थेटिक मसल्स, तो यहाँ पे 0.5 मसल ऐसे ऐड होगा। टेक्निस पॉइंट समझ रहे, वेटेज ऐड हो रहा है। और फैशन से, फैशन से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ग्रूमिंग से बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रूमिंग मतलब टैटू बनवा लो, या फिर क्या बोलते हैं, फैशन सेंस इंप्रूव कर लो, ओल्ड स्टाइल तो नहीं, या फिर एक्सेसरीज पहनो, या फिर लाइक यू हैव टू लुक सेक्सी। कोरियों में देखो उनके फेसियल फीचर इतना अच्छा नहीं है, उनका फेस फ्लैट रहता है, फेस फैट बहुत रहते हैं, तब भी अच्छे दिखते हैं, क्यों, क्योंकि जो उनका ग्रूमिंग सेंस, फैशन सेंस है बहुत ही हाई क्लास है, तो देखने में ऐसे लगेंगे भाई वो आदमी रिच है, रिच अपील आएगा। तो वही हमें यहाँ भी करना है, हमें सिर्फ अपने फेस पे फोकस नहीं करना है, हमें अपने फैशन से ग्रूमिंग भी इंक्रीज करनी है, तो उससे क्या होगा, 0.0.5 ये भी इंप्रूव होगा, तो ओवरऑल 1.5 ऐसे इंप्रूव होगा। हाइट को छोड़ दे, क्योंकि आप हाइट चेंज नहीं कर सकते, तो अगर मुझे लगता है कि अगर आप
एवरेज हाइट से ज्यादा होना तो हाइट पे फोकस करना बंद कर दो, क्योंकि अब कितना भी फोकस उसको चेंज नहीं कर सकते, मतलब क्या हुआ करके। तो ये क्या हुआ, सिक्स यहाँ पे ग्रूमिंग और फैशन से 1 पॉइंट इम्प्रूव हुआ मसल से। आप फेस के बाद सबसे ज्यादा चेंज यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या चेंज करना होगा, मसल्स। यहाँ पे बहुत ही मेहनत वाला काम है, तो अगर आप मेहनत कर सकते हो तो कर सकते हो, या फिर आप मसल्स नहीं बनाओगे तब भी आपका फैशन से और ग्रूमिंग से 1 पॉइंट इजिली इम्प्रूव कर सकते हो, या फिर अगर मसल्स पे भी फोकस कर सकते हो तो 0 पॉइंट उससे भी इम्प्रूव होगा। तो ओवरऑल अब क्या आएगा, बंदा रोहन क्या हुआ, पहले 4 था, फेस इम्प्रूव किया 2.6 पे आया, अभी 6 से 1.5 मतलब 1.5 पॉइंट इम्प्रूव हुआ, और इसकी टोटल अटैकनेस वैल्यू हो गई 7.5। सीधे भाई कहाँ पे आया, अब रेटिंग स्केल देखो 7.5, 7.7 to 8 गुड लुकिंग में आ गया रेंज में। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ भाई रोहन की अब इनसेल अपीयर रहेगी, और कोई भी लड़की ऐसे नहीं बोलेगी भाई गंदा दिखता है, क्योंकि जो एवरेज पॉपुलेशन है उसके कुछ फीचर्स रहेंगे जो स्टैंड आउट करेगा। अब इसको देख के बता सकते हो 2-3 सेकंड में कि भाई ये इज गुड लुकिंग गाय। सो भाई जो अभी मैंने बताया दैट्स द बेस्ट वे एंड नॉन सर्जिकल वे टू इंक्रीज योर अपील। और ये इंसुलेटिव में मत जाओ यार कि रेशियो मुझे परफेक्ट गोल्डन रेशियो, मुझे परफेक्ट मैथमेटिकल रेशियो पे जाना है, सब मैटर नहीं करता रियल लाइफ में। कोई आपको इंची टेप ला के ना, अरे भाई आपको सपोज लड़के से लड़के को प्रपोज किए और इंची टिप्स ने अपने भी तेरी कैंसिल टिप देखता हूँ, तेरी रेशियो गोल्डन रेशियो एक नहीं देता तो चुतिया पे हुआ ना। मैटर यहाँ पे ये करता है कि आप कितने अच्छे दिख रहे हो, आज को कितने अपीलिंग दिख रहे हो, ये मैटर करता है। आप देखोगे जितने भी रिच किड होते हैं वो क्या उनके बहुत ही परफेक्ट फेस रहती है, नहीं तभी वो देखने में अच्छे लगते हैं, रिच दिखते हैं। क्यों, क्योंकि उनके ग्रूमिंग सेंस बहुत ही अच्छे, एक्सेसरीज पहनते हैं और उनके जो फैशन सेंस होता है बहुत ही अच्छा रहता है। तो बस हाइजीन मेंटेन करो और अपील इंक्रीज करो, फैशन सेंस ग्रूमिंग ये भी इंप्रूव करो, और जितना मैक्सिमाइज कर सकते हो अपने पोटेंशियल इतना इंक्रीज करो। आपको करना क्या है, लुक मैक्सिमम जितने भी आपको लुक है उसको फुल पोटेंशियल पे ले जाना है, ये नहीं कि आपको सुपर मॉडल बनना है, ये बस इनसिक्योरिटी देगा, वो हमेशा डिप्रेशन में रहोगे और कुछ नहीं। तो स्टॉप फोकसिंग ऑन दैट थिंग। और अगर इफ यू वांट टू रन फेस सेटिंग आप मुझे बस इंस्टा पे जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरा पेज का, वहाँ पे मुझे मैसेज करो अपना पिक फ्रंट और साइड, मैं आपको बता सकता हूँ कैसे देखते हो, और एक फुल गाइड भी आपको प्रोवाइड करूंगा कि भाई आपको कैसे अपना अपील इंग्लिश करना है। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक या सब्सक्राइब कर देना, और आगे फेस सेटिंग आते रहेगी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।